तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज लिख लेना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में एलसीआर इन सीरीज ही है, तो ये टॉपिक एलसीआर इन सीरीज है। तो आप तीनों के तीनों आपने एल आर और सी किस में लगा दिए, इन सीरीज। तो अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखें कि क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट इंस्टेंटली क्या होगा, इसमें चेंज होगा, लेकिन एक बात पक्की है क्योंकि ये सीरीज में है तो जितना करंट आर में होगा उतना ही करंट एल में होगा, उतना ही करंट सी में भी होगा। तो जैसे किसी भी इंस्टेंट पर करंट आई वन है तो तीनों के अंदर करंट उस इंस्टेंट पे क्या रहेगा, आई वन रहेगा। अगर आई टू हो गया तो फिर तीनों में आई टू रहेगा, अगर आई नॉट हो गया तीनों में आई नॉट रहेगा। ये भी क्लियर है यहां तक? तो अब इसके अंदर ये चीज देखो कि अगर करंट की वैल्यू सेम रहेगी तो मैंने इसमें क्या किया, ये करंट है आई आई और आई। अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखूं तो करंट के वेक्टर को मैंने सेम लिया सब में, और रेजिस्टर के अंदर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो आई और आर एक तरफ है, तो इसमें वोल्टेज कितनी है वी आर, तो आई भी इस तरफ वी आर भी इस तरफ, ये शो कर रहा है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। इंडक्टर में अगर वोल्टेज वी एल है तो इसमें अगर करंट इस तरफ ही है तो वी एल 90 डिग्री आगे होगा करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने रिजल्ट क्या किया था, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90, और कैपेसिटर में करंट अगर यहां पे है तो वोल्टेज पीछे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो करंट तीनों में सेम रखा, क्योंकि करंट रहेगा ही तीनों में सेम, क्योंकि तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो वी आर की वैल्यू करंट के साथ है रजिस्टर में, वी एल की वैल्यू इसमें आगे है और वी सी की वैल्यू पीछे है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम है ये, क्योंकि तीनों जो केस हमने किए वो एक लाइन में समझा दिए कि कौन आगे कौन पीछे है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब मैं इसमें चाहता क्या हूँ करना, एल सी आर को सीरीज में लगा दिया, मैं वही चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर मैंने ई एम एफ को अप्लाई किया ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैं देखना चाहता हूँ कि करंट तीनों के अंदर कैसे जाएगा, करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, ये मैं देखना चाहता हूँ। जब तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज में कनेक्टेड है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने वोल्टेज अप्लाई की, करंट आ गया। अब एक तरीका मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूँ, साइन कॉस डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जैसे मैं करता आया हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। मैं वेक्टर से दो लाइन में ख़त्म कर दूंगा। कैसे? मैं क्या करूँगा इसमें, इस को पहले यहाँ बनाऊँगा, ये आई है और सपोज ये कितना है वी आर है, बना लिया। इस डायग्राम को भी इसी में बना दूंगा। कैसे? अगर ये आई है, आई तो मैंने चेंज ही नहीं किया, वीएल ऊपर की तरफ ले लिया जाए क्योंकि वोल्टेज इंडक्टर में आ गया करंट से बाय एंगल ऑफ 90। और इस डायग्राम को भी यहां बना देते हैं, करंट को वैसे रखते हैं और वीसी कहां जाएगा नीचे। क्या स्टेप क्लियर है? मतलब तीनों डायग्राम का एक ही डायग्राम बना दिया जिसमें करंट का एक्सिस सेम रखा, वीआर करंट के साथ है, वोल्टेज इंडक्टर की आगे है करंट से और वोल्टेज कैपेसिटर की पीछे है करंट से बाय एंगल ऑफ 90। क्लियर है? अब मेरे पास कुल मिला के तीन वोल्टेजेस हैं, वी आर, वी एल और वी सी। अब मुझे पता है कि ये दो वेक्टर्स हैं, या तो वी एल बड़ा होगा वी सी से, या वी सी बड़ा होगा वी एल से, या वी एल वी सी के इक्वल होगा। अगर तो किसी सर्किट में वी एल वी सी के इक्वल है तो ये वेक्टर आपस में कैंसिल, तो नेट वोल्टेज क्या आएगी, वी आर बच जाएगी, खत्म। अगर मान लो वी एल बड़ा हुआ वी सी से, मान लो वी एल की वैल्यू बड़ी है वी सी से, तो इस केस में क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करके नया वेक्टर निकलेगा, वी एल माइनस वी सी। तो इन दोनों को माइनस करके नया वेक्टर निकलेगा, बड़े में से छोटा वेक्टर माइनस करके वी एल माइनस वी सी, और एक वेक्टर ऑलरेडी कितने हैं वी आर। इनको सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो नेट आंसर क्या आएगा, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये नेट वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ये आई है और ये वी आर है, ये वी एल है और ये वी सी है। ये भी तो हो सकता है कि वी सी ग्रेटर देन वी एल है। अगर वी सी ग्रेटर देन वी एल है तो वेक्टर यहाँ बनेगा कितना, वी सी माइनस वी एल। तो आपका पैरेललोग्राम ऊपर बनने की बजाय कहाँ बनेगा, नीचे बन जाएगा, और इसका नेट वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। अब ये डिपेंड करेगा कि वी एल बड़ा है या वी सी बड़ा है। तो मैंने थ्योरी के अंदर ये अज्यूम किया है कि मेरा तो वी एल बड़ा है और वी सी छोटा है, तो मेरा पैरेललोग्राम ऊपर बनेगा। तो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये आई है, ये वी आर है, ये वी एल है और ये वी सी है।
तो मैंने ये एज्यूम किया इस टॉपिक में, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो वैसे तो आप, मैंने एज्यूम किया VL ग्रेटर देन VC है, तो अगर VL VC से बड़ा है तो इनको माइनस करके ये वेक्टर क्या आएगा, VL माइनस VC, और ये क्या आएगा, VR। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, VL माइनस VC और VR, और इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो नेट वोल्टेज आएगी या जो नेट EMF आएगी उसकी वैल्यू OK से रिप्रेजेंट की जा रही है, OK, और इज इक्वल टू क्या, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, नेट वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये नेट वोल्टेज का मतलब क्या होता है, नॉर्मली सीरीज के अंदर अगर तीन चीज़ें लगी हों, तो जैसे मान लो ये VR की वैल्यू 10 वोल्ट है, VL भी 10 वोल्ट है, VC भी 10 वोल्ट है, और आपसे पूछता हूँ नेट वोल्टेज कितनी है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आंसर पता है क्या बोलोगे, 10 + 10 + 10 30। AC में नहीं बोलना ऐसे कि सीरीज में तो ऐड हो जाएंगी, बोलना ऐसे नहीं बोलना, नेट वोल्टेज क्या होगी, नेट EMF की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब तीनों के तीनों वैल्यूज कितनी हैं, 10 10 एंड 10, तो ये कैंसल, आंसर कितना आएगा 10 वोल्ट। तो इसमें कमाल की बात है, ऐसा भी हो सकता है कि 10 10 और 10 और नेट आंसर भी 10। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि फेजेस की वजह से जो फेजेस चेंज हो जाते हैं उनकी वजह से वोल्टेज आपस में कैंसिल भी हो जाती हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो नेट वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा सीरीज में, अब तीनों को सिंपली ऐड नहीं करना। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक, तो ये आपकी नेट वोल्टेज आ गई। अब नेट वोल्टेज ओके किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर और VR का स्क्वायर। अब ओम लॉ क्या कहता है कि मान लो किसी भी इंस्टेंट पर तीनों के अंदर करंट कितना है आए, तो ये कितना है आई इंटू आर, ये कितना है आई इंटू XL, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है XL, और ये कितना है आई इंटू XC। तो ओम लॉ लगा दिया, क्योंकि एक की रेजिस्टेंस आर है, एक की XL, एक की XC, तो ये नेट EMF आ गई। करंट यहां से कॉमन निकाल के इसके नीचे ले जाओ, तो मेरे पास क्या आ गया, नेट EMF बाय नेट करंट, टोटल EMF बाय टोटल करंट इज नोन एज टोटल रेजिस्टेंस। एक नई रेजिस्टेंस आ गई, अब ये रेजिस्टेंस क्या आ गई, LCR की टोटल रेजिस्टेंस आ गई, LC और R की टोटल रेजिस्टेंस आ गई, नेट रेजिस्टेंस आ गई। अब इस रेजिस्टेंस को क्या नाम दें या क्या सिंबल दें, R तो दे नहीं सकते क्योंकि R तो ऑलरेडी दे चुके, XL नहीं दे सकते, XC नहीं दे सकते, तो नेट रेजिस्टेंस का नाम एक नया सिंबल दे रहे हैं, नेट रेजिस्टेंस का सिंबल है Z, और Z का नाम भी चेंज करेंगे टोटल रेजिस्टेंस को, इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, तो रेजिस्टेंस का नाम है इम्पीडेंस। आपको होगी तो कमाल ही होगी, हम एक R नहीं संभाल पाए थे इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ तो इकट्ठी हो गया R, XL, XC, Z, खत्म ही नहीं हो रही है, हर कोई नाम भी नया रखे जा रहा है और हर किसी का काम भी अलग ही हो जा रहा है कि नहीं कमाल की बात। तो इसमें बहुत रेजिस्टेंस इकट्ठी हो गई, पहले ओनली R में R, XL की रेजिस्टेंस, इंडक्टर की रेजिस्टेंस XL, कैपेसिटर की XC और नेट रेजिस्टेंस सबकी Z। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो Z का जो फॉर्मूला आएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये Z का फॉर्मूला याद रखना है। तो LCR की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंपीडेंस क्या होती है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका पर्पस ये, अगर R की वैल्यू 10 ओम गिवन है, XL की वैल्यू 10 ओम गिवन है, XC की वैल्यू 10 ओम गिवन है, और अगर मैं पूछूं टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 10 + 10 + 10, तो बिल्कुल भी मत करना इसमें, क्योंकि अगर यही करना होता फिर अपन इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट ना करते, नहीं करना। तो टोटल रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z, तो Z का फॉर्मूला आपने ये लगाना है। तो यहाँ पर R की जगह कितना 10, XL की जगह 10 - 10, तो आंसर क्या आएगा 10 ओम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। तो आप इसमें सिंपली सीरीज पैरल का कॉन्सेप्ट तो लगता ही नहीं है इसमें, ये अच्छी बात है ना, मतलब कोई नेटवर्क ही नहीं आएगा सीरीज पैरल का, कैसे आएगा, यही जेड का फॉर्मूला लगेगा हर बार। क्लियर है यहाँ तक, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, दिस इज इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस है ठीक। अब इम्पीडेंस के साथ साथ जो नेट EMF आई, नेट ईएमएफ है, ये क्या है, नेट ईएमएफ है। करंट को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, करंट तो अभी भी यहीं पर है, चेक करो,
अब मुझे पता लग रहा है कि जो नेट ईएमएफ है वो करंट से आगे है, कितना आगे है, बाय एन एंगल ऑफ फाइव। इसके अंदर जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने देखा जो नेट वोल्टेज है वो करंट से आगे है बाय एन एंगल ऑफ फाइव। तो आपसे कोई पूछेगा फाइव कितना, ये बताओ। तो फाइव निकालने के लिए आप यहाँ से, आपको ये पता है कि ये साइड कितनी है वी एल माइनस वी सी और ये साइड कितनी है वी आर। तो टेन फाइव क्या होगा, टेन फाइव विल बी इक्वल टू वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। कोई डाउट इसमें? तो टेन फाइव निकालने का तरीका समझ में आ गया, वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। एक और भी तरीका है, क्या तरीका है, आप इसमें वी एल की जगह पुट करो आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स सी, आई इंटू आर, आई 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 कैंसल। तो टेन फाइव निकालने का एक और तरीका, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। और डिपेंड करते हैं न्यूमेरिकल में, किसी न्यूमेरिकल में वोल्टेज गिवन है वहाँ से फाइव आएगा, किसी न्यूमेरिकल में एक्स गिवन है और आर गिवन है वहाँ से फाइव आएगा। तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि फाइव की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो आगे है, जो नेट वोल्टेज है वो आगे है और नेट जो करंट है वो पीछे है। एक बात बताओ, आपको ये पता लग गया कि फाइव आ गया वोल्टेज। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, अगर मैं ये कहूँ कि इसमें करंट जो है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है, तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है, तो इक्वेशन तैयार हो गई। या ऐसा भी हो सकता है, अगर ईएमएफ की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट की इक्वेशन माइनस फाइव। ये समझ में आया, क्योंकि अगर ईएमएफ को लिखते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट पीछे है ईएमएफ से बाय एन एंगल ऑफ फाइव, तो करंट में माइनस फाइव लगा दो। तो चाहे ये इक्वेशन यूज कर लो, चाहे ये इक्वेशन यूज कर लो, कोई फर्क नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि टेन फाइव, इसके अंदर क्योंकि टेन फाइव इसके इक्वल आया, तो वो ये कहते हैं काम करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ साइड पे। राइट एंगल ट्राइंगल में टेन फाइव लिखो, टेन फाइव क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी और बेस क्या है, आर। तो अगर मैं यहां पर पाइथागोरस लगाऊं तो मेरे पास ये साइड, अगर मैं यहां पर पाइथागोरस लगाऊं तो ये साइड मेरे पास किसके इक्वल आएगी, ये साइड आएगी एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, सेट। यानी कि ये साइड ऑफ ट्राइंगल्स आपको सभी रेजिस्टेंसेस का रिलेशन बता रही हैं। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहे हैं यहां तक। इस ट्राइंगल को नाम दिया गया इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल। क्लियर है यहां तक? तो इम्पिडेंस ट्राइंगल क्या बताता है, आपको दो साइड से जो हाई, जो इसका पाइथागोरस लगा के जो इम्पिडेंस की वैल्यू बताता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें,